दिक्कत यही हुआ कि एक बार तूफान आया, फिर बाद में हम लोग सोचे कि भागो, इतने भागते भागते देरी में गिर गया, बैल जता गया है। क्या चीज़ गिर गया? पेड़ गिर गया। कहाँ गिरा पेड़? तीन को मकान है, मकान पर गिर गया है। तो इससे क्या आपको दिक्कत हुआ, क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ यही कि बैल से खेती गृहस्थी करते थे, छह गो बाल बचा है उससे पालते थे। तो पालते थे तो क्या हुआ बैल का? बैल मरने वाला है। बैल कैसे मर रहा है? पेड़ उकड़े पर चपला है, कमर टूट गया, सींग टूट गया है। ग्राम महुआ निवासी वीरेंद्र रजक एक गरीब एवं दलित समुदाय से आते हैं। अचानक आंधी तूफान आने के कारण पेड़ उखड़कर उनके खपड़ैल घर पर गिर गया, जिससे उनकी तीन घर क्षतिग्रस्त हो गया एवं बैल पर पेड़ उखड़कर गिरने के कारण उनकी बैल लहूलुहान हो गया और अंतिम में दम तोड़ दिया। वीरेंद्र रजक एक साधारण व्यक्ति हैं जो बिल्कुल भूमिहीन है। वह बटाईदारी खेती कर करके अपने 10 प्रकार की खेती के सहारे भरण पोषण करते थे, लेकिन बैल की मृत्यु हो जाने के कारण वीरेंद्र रजक की समस्या सता रही है कि अब खेती कैसे हो गया और मेरे बच्चे को भरण पोषण कैसे होगा। FIR किए हैं, थाना में भी कर दिए हैं, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब के पास में हम रिपोर्ट दिए हैं और कर्मचारी साहब को दिए हैं लिख कर। तो CO साहब ने क्या अभी तक आपका आश्वासन दिया? अभी तक आश्वासन नहीं मिला है कुछ, इधर इलेक्शन के कितने बार आप ब्लॉक गए? हम जाने के लिए तो उस दिन से हम 10 बार गए हैं ब्लॉक में, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। वीरेंद्र जय की घर की जो खपड़ैल क्षति हुई है एवं बैल की मृत्यु हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार से मिले। यह वीडियो देखने वाले साथियों से अनुरोध है कि यह वीडियो देखकर मदनपुर के अंचल अधिकारी अजीत कुमार के मोबाइल नंबर 97 78 99 30 पर फ़ोन कर दबाव डालें, ताकि यहां समस्या का निदान हो सके। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महुआमा, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।